जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर। मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को, कि ये क्या मालदीव में हुआ है। अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की स्थिति शुरू हो चुकी है। इवन अस टाइज बिटवीन द मालदीव्स एंड इंडिया रिमेन्स टेंस। New Delhi has allowed exports of essential commodities including sugar, wheat, rice and onions to the island nation. हमें भी कुछ सीखना चाहिए। जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। And the exports have been allowed after a request from the government of the Maldives. उसके बोले बगैर उसकी सिर्फ किसी जगह मौजूदगी, खा वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हो या किसी ब्रांड के कपड़े पहन के बस बैठा हो, कुछ बोल भी ना रहा हो और अगली चीज सोल्ड आउट हो जाए, ये होती है पावर। The Maldivian Foreign Minister expresses gratitude to India for extending the import quota. इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता, पाकिस्तान नहीं आपको दे सकता। और मतलब वो कहते हैं आप पाकिस्तान आज, हम कहते हैं पाकिस्तान आज, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अच्छा। अब उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है। जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी बात काफी अरसे से हो रही थी लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वैसे भी यहाँ पर किल्लत है, जहाँ से लेना है ले ले। श्रीलंका एक अंडा नहीं भेजने वाला, वो खुद इंडिया से मंगाता है। उसके बाद पाकिस्तान, हा हा हा, पाकिस्तान गजब। हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है, उत्थे बंद हो रही है हर काम, बॉर्डर के उस पासे जड़ाएगा हर काम शुरू हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और मालदीव के रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। इसी बीच भारत ने जरूरी वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर मालदीव पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी वजह से मालदीव में भुखमरी जैसे हालात बन गए थे और मालदीव जरूरी वस्तुओं के लिए तरस रहा था। अब मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दे दी है। मालदीव के विदेश मंत्री ने इस पर भारत को दिल खोलकर धन्यवाद दिया है। मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तु का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, यह एक प्रतीक है जो लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और हमारे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। इंडिया जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी, उनकी वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। दूसरी तरफ आपने सही बात की, मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रांग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं डिप्लोमेसी को स्ट्रांग करने के लिए, मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर। इंडिया की डिप्लोमेसी जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बायकॉट बायकॉट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है ट्विटर के अंदर, आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन ख़राब ना करें इंडिया। कैसे देखते हैं आप, क्या हमें कुछ सीखना चाहिए? जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए का एक हो जाते हैं, कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती तो एक इंडियन होते हैं, हमें क्या सीखने की जरूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। एक चीज़ के वो आपने बहुत बड़ी बात की कि वो एक नेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ रास्ते में, अगर मेरी गलती नहीं है और मैं गलती मनवाएंगे मुझे ज़बरदस्ती, इस मामले में अपने आपको कहूँगा कि गलत हूँ मैं, लेकिन मान लूँगा। लेकिन वो हैं, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है जो कहते हैं वो एक हो जाती है एक मिनट में, और हम मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अपनी आर्मी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हम। ये नहीं मतलब कि जो पाकिस्तान की जो आवाम है वो एक होती थी कभी, अब नहीं है, अब तो मतलब फ़िरकों में और ग्रोहों में बट गए हुए हैं।
जो इंडिया की मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो अवाम है वो गवर्नमेंट को इसलिए भी सपोर्ट कर रही है कि उसकी गवर्नमेंट अवाम के लिए काम बहुत ज्यादा कर रही है, काम कर रही है उनकी गवर्नमेंट, बिल्कुल कर रही है, काम कर रही है। हर लिहाज से आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी के 8 साल जो गवर्नमेंट में आया है वो 10 साल पूरे हो गए भाई, ये 2024 के अंदर इलेक्शन, बिल्कुल 10 साल आपने बता दिया पूरे हो गए। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इम्पोर्ट में, हर चीज में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। तो ये मतलब बात की क्या कह रहे हैं, इंडिया की जो सोच है ना और जो मोदी की सोच है वो कहते हैं हम अपने मुल्क को लेके आगे चलें। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चलें, ले चल भी रहे हैं वो, और हमारी ये सोच है कि जिसने किया है तो मैं ना करूँ और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूँ। वो क्या हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें, विन विन सिचुएशन नहीं है, विन विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी। कैसे देखते हो यार, एक तरफ हम हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारी किसी भी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आप देख लो इंडिया की किसी भी पाकिस्तान को उठाकर बाकी किसी भी नेबर के साथ देख लो, रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं उनके और हमारे खराब है तो क्यों खराब है, हमारे क्यों खराब है, सिर्फ लेग पुलिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। मैंने आपको बताया ना, क्या कहेंगे, पाकिस्तान के पास कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है डिप्लोमेसी पे, मतलब कोई जैसे कि अब इंडिया के पास बहुत ज्यादा पॉलिसीज बनती रहती हैं और वो उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है, जापान ने कि इंडिया के लिए ई वीजा जो है वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इसकी बात काफी अरसे से हो रही थी लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और इसमें जो कुछ और कंट्रीज हैं जिनके पास ये सहूलत है कि वो जो है ई वीजा जो है वो उनके उनको मिलता है, उसमें मैं आपको बताऊं ब्राजील, ताइवान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको सिर्फ इन कंट्रीज को अभी तक मिलता था। ज्यादा जो ऐसे हैं जो कि मतलब ए लेवल के जिनको कंट्रीज कहा जाता है, सिंगापुर और इस तरह के, वो सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहां पे उन्होंने दिया है। अब ये वीजा इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है उन कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया शामिल हो चुका है इन कंट्री, यानी इन कंट्रीज से मुराद ये है कि इस तरह के ए लेवल में इंडिया शामिल हो चुका है, ए ग्रेड कंट्रीज में, ए प्लस ग्रेड, जो सबसे हाई फाई होते हैं कि जिनकी इकोनॉमी और क्या जबरदस्त, वो तो वो शामिल हो गया है। तो अब जो है वो इसको उन्होंने दे दिया इंडिया को ये सहूलत के, ठीक है जनाब आए। उसमें ये है कि जो इंडिया के लोग हैं जो कि टूरिस्ट हैं वो वहां पर जाना चाहते हैं जापान और टूरिज्म के लिए, तो उनके लिए ये नहीं है कि वो अपने जो है पहले वो पूरा एक प्रोसीजर जो होता है उसमें वो अप्लाई करें, फिर उनको मिलता ही नहीं मिलता, फिर कितने दिन लगेंगे, ये होगा वो, आपको पता है ई वीजा तो यूं लगता है आपके मोबाइल पर वो आप जाएं दिखाएं और उसके बाद जो है फिर वो एयरपोर्ट पे पहुंच के जो आपका सारा इमिग्रेशन वगैरह जो भी है वो होता है। तो ये इंडिया के उन लोगों के लिए जो कि टूरिज्म पे जो है, मतलब इंडिया के वो लोग जो टूरिज्म क्या मतलब जो भी वहां से जो है वो जापान जाना चाहता है जिस भी उसमें, तो उसको लिए जो ई वीजा है वो एक बड़ी सहूलत उनको फ्राहम कर दी गई है। और इसमें जो है जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसका भी अब काम वो हो गया है, और इंडिविजुअल जो है उसको ऑफिशियल वेबसाइट जो है जापान की वाया एप्लीकेशन सेंटर बस उस तक एक्सेस होनी चाहिए। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए, बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख के जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।